हे गाइस, दिस इज अ ब्रांड न्यू स्मार्टफोन रियलमी 7। और आज हम लोग करने वाले हैं इस रियलमी 7 के अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स कंटेंट और इसका डिज़ाइन कि ये जो रियलमी 7 है यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले जो है इसका कलर है यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग है, वो आपको मिस्ट ब्लू कलर में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो वेरियंट है मेरे पास है 6 GB रैम एंड 64 GB स्टोरेज, और इसका जो प्राइस रखा गया है वो है 14,999 रुपये। दूसरा वेरियंट आता है 8 GB रैम एंड 128 GB का स्टोरेज, और उसका प्राइस रखा गया है 16,999 रुपये। तो चलिए मैं इस फोन को करता हूँ अनबॉक्सिंग। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले इस फोन का इंट्रोडक्शन कर ले। तो यहाँ पे हम लोगों को मिलता है सोनी का 64 MP का क्वाड कैमरा, हेलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर, और यहाँ पे हम लोगों को 30 W डॉट चार्ज 5000 mAh का बैटरी इस बॉक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं पे हम लोगों को 90Hz अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले भी इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इस फोन को करते हैं यहाँ पे कट और देखते हैं इस फोन का फर्स्ट लुक, ये जो रियलमी 7 है यहाँ पे कितना कूल है और कितना अलग है बाकी के स्मार्टफोन से। तो फाइनली यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और इसको हम लोग साइड कर ले, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सलमान खान का अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर भी करा है। बट खैर इन सब चीज़ों को साइड करते हैं। ये रहा रियलमी का हे वेलकम टू फैमिली। तो चलिए इसके अंदर देख ले। तो ये रहा सिम इजेक्टर टूल, और इसके अंदर में हम लोगों को एक ट्रांसपेरेंट केस देखने के लिए मिलता है, और ये जो है यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसे भी फिलहाल साइड कर ले। ये रहा इसका क्विक गाइड, और यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स है, सेफ्टी गाइड, इसे भी साइड कर ले। ये रहा रियलमी 7। चलिए इसको यहाँ बाहर निकालते हैं, फिलहाल इसे रखते हैं साइड में और इसके साथ आने वाले इस फ़ोन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स कंटेंट है ये आपको USB 2 टाइप सी डेटा केबल एक मिलता है, सो ये क्वालिटी काफ़ी बढ़िया होता है। यहीं पे हम लोग आगे बढ़े तो ये भारी भरकम ट्रेबल अडप्टर है, और ये जो ट्रेबल अडप्टर है आपको सुपर डार्ट चार्जिंग है जो कि आपके फ़ोन को 26 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। तो चलिए इसे भी हम लोग साइड कर लें और अब बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, रियलमी 7 के बारे में। तो चलिए इसके ऊपर लगे हुए इस रैपर को यहाँ पर निकाल लेते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में कि जो फ़ोन है यहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो फाइनली यहाँ पर ओपन हो चुका है रियलमी 7, और ये जो है यहाँ पर ब्लू कलर में है, मिस्ट ब्लू कलर में। तो चलिए अब फटाफट करते हैं इस फ़ोन की फिजिकल ओवरव्यू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिलता है। फ़ोन के नीचे में देखें तो रियलमी ने अपना ब्रांडिंग करा है। फ़ोन के बॉटम साइड पे देखें तो यहाँ पे हम लोगों को 3.5 mm जैक लगाने का ऑप्शन मिलता है, नॉइस कैंसिलेशन माइक है, और यहाँ पर हम लोगों को टाइप सी चार्जर लगाने का ऑप्शन भी दे रखा है। ठीक इसके साइड में देखें तो आउटपुट स्पीकर मिलता है। अगर इसके आउटपुट स्पीकर की बात करूं तो इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर दिया गया है। अब चलिए इस फ़ोन के राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको पावर की दिख रहा होगा, और साथ में ये जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी इनबिल्ट करा गया है। फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मिल जाता है 2 volume keys अप एंड डाउन, और ठीक इसके ऊपर में देखें तो आपको सिम ट्रे लगाने का ऑप्शन मिलता है, और ये आपको डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाएगा। फ़ोन के टॉप साइड पे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया है। तो चलिए मैं इस फ़ोन को ऑन करता हूँ और फिर बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के बारे में फुल डिटेल से। तो फ़ोन जो है यहाँ पे फाइनली सेटअप हो चुका है, और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के डिज़ाइन को लेकर तो फ़ोन का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अमेजिंग है। बैक में आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिलता है मिरर ग्लास के साथ, और क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है जिससे कि ये फ़ोन का जो डिज़ाइन है यहाँ पर काफ़ी कूल देखने को मिलता है। और बात करें अगर हम लोग फ्रंट साइड में तो आपको 6.5 inch का फुल HD+ डिस्प्ले, और इसका जो रेजोल्यूशन रखा गया है वो मिलता है 24:1080 pixel का। तो यहाँ पे आप फुल HD वीडियो प्ले कर पाएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका जो डिस्प्ले है आपको 90Hz रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है, जिससे कि इसका जो टच रिस्पॉन्स है यहाँ पे आपको काफ़ी स्मूथ देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ में आपको इस फ़ोन को फिजिकली देखते हुए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का सपोर्ट भी
दे रखा है। तो अगर देखा जाए इस फोन में तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है डिस्प्ले को लेकर, लेकिन यहाँ पे जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, जबकि अभी के जेनरेशन में कम से कम जेनरेशन 5 का गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन होना चाहिए था। और इस फोन के जो बैक साइड है यहाँ पे हम लोगों को क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है। मेन कैमरा जो है वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है, और वाइड एंगल कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। माइक्रो प्लस डेप्थ लेंस है वो आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर बात करें इस फोन के फ्रंट कैमरे के बारे में तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। सो रियलमी का जो कैमरा होता है वो AI बेस होता है, इसलिए इस फोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन के हार्डवेयर के बारे में। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक हेलियो G95 का प्रोसेसर, और ये जो है अप टू 2.05 क्लॉक स्पीड के साथ आता है, और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है वो आपको यहाँ पे 2.0 क्लॉक स्पीड देखने के लिए मिल जाता है। टाइप में आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, और यहीं पे जो हेलियो G95 प्रोसेसर है वो आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। साथ में आपको वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्ट करा गया है जिससे कि फोन को हीटिंग से बचाया जा सके, तो आप इस पे हैवी से हैवी गेम प्ले कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें इस फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन जो है वो आपको 10 देखने के लिए मिलता है। सो अभी का ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें आपको जो UI कस्टमाइजेशन वर्जन रियलमी का है वो आपको वर्जन 1.0 देखने के लिए मिल जाता है। तो ये काम करता है रियलमी कस्टमाइजेशन वर्जन एंड्रॉयड वर्जन 10 के साथ। तो ये जो फ़ोन है आपको अभी का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और सबसे बढ़िया जो लगा रियलमी ने जो आलतू फालतू ऐप्स थे वो सब यहाँ पर इन्होंने निकाल दिया है, और अभी जो इस रियलमी के अंदर जितने भी ऐप्स है वो आपको यूजफुल ऐप्स देखने के लिए मिलता है, जिससे कि ये जो फ़ोन है काफ़ी स्मूथ चलता है, और इस फ़ोन का जो टच रिस्पॉन्स है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। तो ये था रियलमी 7 का कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन और अनबॉक्सिंग, और आई थिंक कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।